तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, तो स्वागत है आपका विक्रम एक्सपेरिमेंट की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो मेरी तरह वर्क करते हो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐसी चीज़ों का, तो आपको बारह वोल्ट सप्लाई की जरूरत पड़ती होगी मोटर चलाने के लिए। तो एक चार्जर से चलाते होगे, 6 वोल्ट का आता है तो वो इनको तो हिला भी नहीं सकता है, करके 12 वोल्ट सप्लाई बनाने वाले हैं। तो शुरू करने से सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन उसको दबा के ग्रे कर दीजिए, और उसके पास में पड़ोसी वाला बेल आइकन है उसको भी ऑन करके आल पर सेट कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बनता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास है ये देख ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर रहा। मैंने पहले इससे पहले एक थोड़ी वीडियो बनाई थी बड़े ट्रांसफार्मर वाली, जिसके अंदर से हम फुल वोल्टेज एंड फुल आरपीएम निकाले थे। उस वीडियो को नहीं देखे तो आप इधर लिंक पर क्लिक करके इसको देख सकते हो, इस पर आई बटन पर। तो अभी रुको, चलो इसको ऊपर मत देखना, मैं आखिरी में वीडियो को दे दूँगा, वहाँ पर देख सकते हो आप। तो इस वीडियो को पूरा देखो पहले, फिर आखिरी में मैं उसके वीडियो दे दूँगा, वहाँ पर इसे देख सकते हो। तो इसे हम 12 वोल्ट लेने वाले हैं। तो इधर से तो इसका इनपुट है 240 वोल्ट, 230 वोल्ट देख सकते हो, 230 वोल्ट लिख रखा है, 230 वोल्ट। और आउटपुट हम इससे 12 वोल्ट निकालने वाले हैं। तो आउटपुट तो 12 से इसमें भी 12 वोल्ट ही निकलेगा, लेकिन वो एसी होगा, डीसी नहीं होगा। तो उस आपको बताए एसी का प्लस माइनस कोई नहीं होता, तो उससे हमारे किसी काम का नहीं, वो चलने नहीं वाला। तो इसे डीसी में बदलने के लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा। तो पहले वाली वीडियो में ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बड़ा वाला ट्रांसफार्मर था, तो उसके लिए बड़े डायोड चाहते थे जो मेरे पास नहीं थे, तो मैं ब्रिज रेक्टिफायर नहीं बनाया था। तो इसके अंदर हम बनाने वाले, इसके अंदर छोटे ब्रिज रेक्टिफायर भी चल जाएंगे। तो आपको डायोड और क्या चाहिए और उसके अलावा, तो मैं आपको सारे बता देता हूँ। तो इसको तो एक तरफ करते हैं, तो ये रे सारे, एक तो हमको कैपेसिटर चाहिएगा, एक देख सकते हो मैं कौन सा ले रहा हूँ, ये 400 वोट का 10 योग का है। और ये सारे डायोड है, 4 डायोड हमको चाहिए और एक ऐसा वाला। तो इनको हम कैसे कनेक्शन करेंगे, तो आप ध्यान से देखना, तो मैं आपको यहाँ पे लाइट सही और लगा कर देता हूँ, जिससे आपको सही कनेक्शन दिख सके। मेरे हिसाब से अब आपको सही सही दिख रहा होगा। तो ये देख सकते हो, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास एक कैपेसिटर और ये ऐसे वाले सारे डायोड है हमारे पास। तो अब इन सारे का कनेक्शन हम कैसे करना है तो आपको बता देता हूँ मैं। तो इन डायोडों को, दो डायोड को जोड़ लेना है आपको इसे, तो दो डायोड आपको ऐसे वाले ले लेना है, और इनकी सिल्वर वाली पट्टी है ना, तो उनको इस तरह से जोड़ लेना है, सिल्वर वाली पट्टी को एक तरफ ऐसे, तो मैं जोड़ देता हूँ। तो सिल्वर वाली पट्टी एक तरफ हो गई दोनों की, और ब्लैक वाली पट्टी एक तरफ हो गई। तो इन दोनों डायोडों के अंदर अपन को ब्लैक वाली पट्टी को एक तरफ करना है, तो इनको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सिल्वर वाली पट्टी एक तरफ हो गई, ब्लैक वाली पट्टी एक तरफ, ब्लैक वाली को हमने जोड़ दिया है, और इसके अंदर सिल्वर वाली को जोड़ दिया है। अब इन दोनों को इस तरीके से जोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, तो उनको भी फटाफट जोड़ लेते हैं। तो ये देख सकते हो हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है, आपको दिखा देता हूँ मैं। इधर वाले तो एक सिल्वर वाली पट्टी तो एक तरफ हो गई थी, ब्लैक वाली पट्टी एक तरफ, तो ये दोनों वायर डायोड एक तरफ है, दोनों वायर डायोड एक तरफ। तो मैं आपको और इनको अभी इसको और जोड़ना है, तो इसको मैं बताता हूँ आपको कहाँ जोड़ना होगा। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इनमें से कौन सा वायर, यहाँ पे जो सिल्वर वाली पट्टी है डायोड की, सिल्वर वाली पट्टी तो प्लस की है और ब्लैक वाली पूरी पट्टी माइनस की है। तो यहाँ पे इसकी तो ये सफ़ेद वाली पट्टी माइनस की आपको दिख रहा होगा, और ये ब्लैक वाली प्लस की है। तो हमें इसके अंदर ये डायोड के जो प्लस और यहाँ पे माइनस जो जॉइंट है वो, और हमारे एसी है और एसी वाले इनपुट है, और ये जहाँ पे सिल्वर और ब्लैक आउट हैं मिल रहे हैं वहाँ पे हमारा डीसी निकलेगी। तो इसके दोनों को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो गया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पेपर पर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे ये चार डायोड
डायोड इस तरीके से मैं बना देता हूँ। यहाँ पे जो सिल्वर पट्टी हमारी है डायोड की, तो ये हमारे सारे प्लस के हैं और ये ब्लैक वाले हमारे सारे माइनस के हैं। तो इनको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करना है, मैं बता देता हूँ। तो ये भी यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे चारों डायोड है जिनकी सिल्वर पट्टी, तो इधर एक तरफ देख सकते हो ये प्लस प्लस, और यहाँ पे जो ब्लैक वाली पट्टी है एक तरफ है, और यहाँ पे जो प्लस और माइनस है ये हमारा एसी इनपुट आएगा, ये एसी आएगा हमारा दोनों एसी, और यहाँ पे जो ये माइनस माइनस और प्लस प्लस है हमारा इधर से डीसी निकलेगा, डीसी करंट। तो यहाँ पे हमको बीच के अंदर यहाँ पे लगा सकते हो आप, मैं आप पे बता देता हूँ। यहाँ पे हमको एक कैपेसिटर लगाना होगा, ये माइनस वाली है, तो यहाँ पे उसके लिए माइनस से देख सकते हो डायोड की माइनस वाली लेग, तो माइनस के ऊपर और प्लस वाली लेग प्लस के अंदर लगानी है, और यहाँ पे हमारा पूरा ऐसा ब्रिज रेक्टिफायर पूरा तैयार है, देख सकते हो इस तरीके से, ये देख सकते हो, समझ में आ गया होगा। और फिर भी नया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो अभी हमें इसके अंदर एसी देने के लिए मैं इस वायर का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैंने पहले भी वायर का यूज़ लिया है, मैंने इसके ऊपर पहले से प्लग लगा दिया है, और यहाँ पे मैं इनको छील के इसके अंदर लगा देता हूँ मैं फटाफट से। तो अभी यहाँ पे इसके ऊपर हम कनेक्शन करने वाले हैं, इसको तो मैंने जोड़ के कर दिया है, देख सकते हो पूरा तैयार। और यहाँ पे अब इसका कनेक्शन की बारी आए तो उससे को चला के बता देता हूँ। अगर हम एसी 12 वोल्ट को अगर यहाँ पे इस मोटर को चला के देखें तो चलेगी या नहीं चलेगी, उसके लिए तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ। यहाँ पे मोटर के ऊपर मैंने टेप लगा दी है, ये देख सकते हो। अब इसको पार्क में लगा देता हूँ, पहले आपको इस पार्क दिखा देता हूँ कि चल रहा है, देख सकते हो चल रहा है। अब इसके ऊपर मोटर के ऊपर लगा के दिखा देता हूँ, तो ये मोटर वाइब्रेट कर रही है, चलती घूम भी नहीं रही है, लेकिन एक जगह देख सकते हो वाइब्रेट कर रही है, देख सकते हो एक ही जगह वाइब्रेट कर रही है, थोड़ा सा घूम रही है फिर वाइब्रेट कर रही है। तो ये चल नहीं रही क्योंकि इसका माइनस प्लस नहीं होता एसी वोल्ट का। तो यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर बन रखा है, तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे मैंने सारा सिस्टम कर दिया है, आपके सामने भी देख सकते हो, यहाँ पे हो गया है, मैंने सारा पहले आपको बता दिया, तो मैं आपको कनेक्शन करके बता दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं इसके वायर एसी में लगाने वाला हूँ, तो बोर्ड में मैंने लगा दिए इधर। अब यहाँ पे इस देख सकते हो, अब यहाँ पे डीसी करंट आ रहा है, तो यहाँ पे इस मोटर को मैं आपको वापस चला के दिखा देता हूँ, देख सकते हो अभी। तो देख सकते हो दोस्तों भी आराम से चल पा रही है, देख सकते हो। तो मैं आपको दूसरी मोटर भी चला के दिखा देता हूँ, इससे बड़ी वाली भी। तो ये रही हमारे पास मोटर, इसको भी चला के दिखा देता हूँ। तो ये भी चल रही है, देख सकते हो, इसके ऊपर मैं टेप लगा दी, दिखा देता हूँ आपको। तो इसके ऊपर मैंने टेप लगा दी है भी, तो इसको चला के दिखा देता हूँ। तो अब इसकी आवाज़ सुन सकते हो, देख सकते हो आराम से चल पा रही है। तो आप इसे बना सकते हो घर पर भी, इसको एक इसके लिए डिब्बा बनाने वाले हैं, तो उसके अंदर इसको फिट करने वाले हैं, तो उसको बना के इसके अंदर रख ले गलती से। तो भी आप देख सकते हो मैंने इसको बाद में इस तरीके से कुछ इसके ऊपर कवर कर दिया है, उन दोनों को, रेक्टिफायर को भी और हमारे उसको भी, और फिर यहाँ पे प्लग वाला लगा दिया वायर, और इधर आउटपुट निकाल दिया है मैंने, कुछ एडाप्टर की तरह लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे मज़ेदार अपना प्रोजेक्ट और नॉलेज के साथ। वीडियो इन दोनों वीडियो में से आप कौन सी भी वीडियो देखना चाहो तो इसको देख सकते हो, और देख के वीडियो को लाइक भी करना, देख के कमेंट जरूर करना कैसी लगी वीडियो। तो
मिलते हैं अगली वीडियो में।